हेलो गेमर्स, तो क्या हाल है आप लोगों को? यार देखो, आज का जो गेम है ना भाई, बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्काउट का लेआउट। तो देखो, जिन उन्होंने पता चला स्काउट है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, पर मेरे से अच्छा नहीं है, पर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यार देखो, यहाँ पे एक सीन क्या ना, हम आज स्काउट का पूरा लेआउट चेक मारेंगे। तो मैंने सोचा जब कॉपी करने तो यार अच्छे से करो। मैंने आज फुल जहर भी ऑन कर लिया, और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तीन हाथों वाला खिलाड़ी है, मतलब तीन फिंगर वाला खिलाड़ी है, और स्काउट है चार फिंगर विद भैया फुल जहर तुम्हारा भाई आधा जहर। पर कोई बात नहीं यार, देखो आज तुम्हारा भाई चिकन कैसे निकाल निकालेगा, पता नहीं निकालेगा वो आगे देख लेना। और यहाँ पे क्या सीन होता है, मैंने सोचा देखो जब कॉपी करने तो अच्छे से करो, और मैंने देखा स्काउट के पास आरपी है भाई, तो मैंने आरपी के जैसे जैसे जुगाड़ करा। अब यार देखो वो कैसे जुगाड़ करा, वो तुम एंड में देख लेना। और यहाँ पे सीन क्या होता है, मुझे वीएसएच मिल जाती है। देखो यार पूरा स्काउट का एक एक ए टू जेड चीज़ जो है ना, वो पूरे स्काउट की जगह पर जहाँ पर लगी वहीं पर लगा है। और मैंने क्या करा, यहाँ पे लूट करना स्टार्ट कर दिया। एक स्काउट होती थी पीछे की साइड, और वो स्काउट मिलेगी हमें वो तीन जो वेयर हाउस है ना वहाँ पर। अब यार देखो मुझे यहाँ पे वीएसएच मिल जाती है, और लूट के नाम पर कुछ नहीं मिलता मुझे पता है। और सामने होती है बोटों की लड़ाई। अब यार देखो उनको फटाफट हम लोग फिनिश करते हैं, और मतलब फिनिश नहीं करते, सिर्फ नॉक करते हैं, और उनको छोड़ के मैं सीधा आगे आ जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अपने दोस्त से गरीबी वाला सीन चल रहा, तो देखो मांगना पड़ेगा, मैंने यूजी मांग लिया होती है। और अब यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा ना लूटने, क्योंकि देखो यार लूट की बहुत कमी है, और वहाँ पे मिल जाएगा मुझे एक नेता बंदा। तो देखो सर ऐसे मिलते हैं। और यार कसम से इन भाई के लिए मुझे दिल से बुरा लगा। नहीं सोचो वहाँ से पूरी स्क्वाड से भाई अकेले जैसे तैसे बच गए, और यहाँ पे आने के बाद देखो जब लूट रहे थे तसल्ली से तो यार भाई ने देखो अचानक से वीएसएस का क्या ही पेला। और मैं कह रहा था देखो वीएसएस पता नहीं क्या ही गन है यार, देखो कभी भी साथ जाती, कभी भी धोखा जाती। देखो जब मैं बोटो को पेला था ना वहाँ पे, तो भाई मतलब इतना ज़्यादा असर नहीं करती, और यहाँ पे पेला तो भाई बट जल्दी मर गया। अब देखो क्या सीन है, मतलब उनके पास लेवल 4 कुछ भी हो सकता है। अब मैं करता भाई इधर की साइड की, यहाँ पे भाई तीन वेयर हाउस मैंने तुम्हें बोला था वो बंदे मिलेंगे, और वो बंदे मिलते भी हैं। और देखो उनको कैसे पेलेंगे अभी। तो जैसे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ ना, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, मुझे लगता है देखो कोई और बंदा आएगा उसको बचाने के, पर भाई कोई नहीं आता बेचारा भाई अकेला होता। जैसे मैं आगे आता हूँ ना, मैं अपने M762 का तुम्हें एकदम खराब सा स्प्रे दिखाता हूँ। देखो यार वो मैं ऐसी हवाबाजी में मार रहा था, तो मैं दिखाने के जा रहा हूँ कितना अच्छा होता है। अब यार देखो यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ आती है। अब यार देखो ये बोट के जाता है, इसको सबको पेलने वाले के बाद ना भाई मैं यहाँ पे खत्म कर, हम लगता है यार देखो पूरा जॉर्जिया पुल खाली हो चुका है, अब निकलते हैं। उतने भाई पीछे से फायर आता है। अब मुझे पता है देखो ये वही बंदे जो उस बंदे के दोस्त थे, पर देखो मैं सही बता रहा हूँ, दोस्त इतने हरामी होते हैं ना पबजी में। देखो जब कुछ नहीं होता ना हाथ वाथ में, तो यार देखो क्या ही कर सकते हैं, बचाने तो आएंगे नहीं, खैर वहाँ से सटक जाते हैं। पर ये बंदे क्या करते हैं, पीछे से हमला करते हैं। और मैं क्या करता हूँ भाई, अपना एक आईक्यू लगाता हूँ और पूरा 360 घूम के आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ना सबको साथ में लोबी भेजेंगे। तो यार मुझे पता है मुझे आप मेरे बहुत ज़बरदस्त फैन हो चुके, तो इसलिए यार देखो नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर देना, आते बाद देखो लाइक करना मत भूलना। और यहाँ पे सीन क्या होता है, देखो ये दो बंदे बचे होते हैं, पता नहीं कहाँ से कैम करके झक मार के आते हैं, और भाई पीछे से हमला करेंगे। इनको लगा भाई हम वहाँ सामने जाएंगे, तो यार भाई क्या कमाल कर गया यार, मतलब देखो क्या ही पेल, इनको हवाबाजी में पेल दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम अंधी लूट मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, पहले रोजों की पहाड़ी में होता है, हम देखते हैं सामने भाई अंदर बंदे लड़ रहे हैं, इक्वल टू में बंदे चोरी हो रहे हैं, मतलब किल चोरी हो रहे हैं। तो मैं करता फटाफट यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद उनकी दुपड़ दुख लड़ाई होती है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एकदम कैम करके बैठे होते हैं, और जो एक बंदा है ना भाई वो इधर से उधर घूमते रहेंगे, और उसके बाद एक बंदा हम पे हमला करने आएगा, तो देखो आप इनको कैसे पेलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लौंडा एक नॉक करके डायरेक्ट फिनिश मार देता हूँ ना भाई, लौंडे होते एकदम लाल पीले, तो लौंडे को पता नहीं क्या ही गुस्सा आता। तो जो जैसे तुम्हें दिख रहा है भाई, दोनों में मेरा आगे जाए जा रहा है, आगे जाए जा रहा है, मतलब मेरे से बिना पूछे। और वो क्या करता है डायरेक्ट वहीं पे नॉक होकर फिनिश हुआ था, मतलब पूरा बराबर बता लिया होता है लौंडों ने। तो मैं करता भाई सीधा इधर पीछे की साइड की, तो खैर वो तीन चार लौंडे हैं और मैं अकेला लौंडा, तो देखो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ ना भाई, साइड में से एक दूसरी गाड़ी आती है। अब देखो यहाँ पे तो अभी मुझे कुछ पता नहीं होता कि देखो दूसरी गाड़ी आ चुकी है, तो मैं जैसे मैं यहाँ पे एक बंदा देखता हूँ नीड मारते हुए, तो मैं समझता देखो यहाँ पे लौंडा आ चुके हैं भाई दूसरे, और इन पर हमला हो रहा है। तो मैं देखो अकेला बचा, तो थोड़ा यहाँ पे बैठ के आराम से खेलने करने की पूरी कोशिश करूँगा, और देखना जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो इन सबको पेल के जाऊँगा। बस अभी देखो पूरी फाइट देखो अब एंड तक।
तो अरे यहाँ पे इतने सारे लॉन्डो को पहनने के बाद भी ना भाई मेरे पे एक ही किल आता है, और ऐसे M4 में कितनी गोलियां बची है? जीरो। देखो यार मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे सबसे गंदी किस्मत ना मेरी है। देखो यार एक तो मेरे पे नेड वेड कुछ नहीं अलग से, M4 में जीरो गोली है, एक तो मेरा लॉन्डा भी मर चुका है, और साथ साथ कमी पूरी करने के लिए जिसकी कमी हो रही थी वो था रेड जोन, उसकी कमी पूरी करने रेड जोन भी पधार गए। अब देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं यहाँ पे चित मतलब मैं गया, उतने में भाई मुझे कॉल आता है। तो यार बस इसी कमी थी कि कोई बड़ा आदमी ने मुझे कॉल कर दी कि पैसों की जरूरत है कि नहीं। देखो मैं एक तो पहले ही गरीब हूँ और मेरा माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। देखो यार पबजी में कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं देखो यार मैं करता फटाफट, जैसे कि आपस में दुपट तो हो जाती है ना, तो मैं उसमें बीच में मौके का फायदा उठा लेता हूँ। तो मैं करता फटाफट अंदर दिन गोलियां वोलियां सब बारू दारू सब भर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ना अब जब इनकी मामला खत्म हो चुका तो मेरी बारी अब इनसे फाइट लेने की। तो मैं कहता इनसे फाइट ले लेता हूँ, जैसे मैं ये स्टंट डालता हूँ ना उसमें कहता है कि लौंडा जो है बाहर कूद जाता है, मतलब देख रहे हो भाई का दिमाग देख रहे भाई को जाता, और बाहर कूदने के बाद ना वो जाते भाई दोनों के दोनों जुदा। अब एक बंदा मेरे ऊपर है, एक बंदा सामने की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ पहले नीचे वाले लॉन्डो को ना दबोच लूंगा। देखो अब इसकी पेटाई कैसे लेते हैं। तो यार मुझे पता था भाई अपने बेगम को बचाने के लिए जरूर आएंगे, और वैसे के वैसे सीनों पर भाई एक चीज़ गड़बड़ होगी कि मेरी सारी की सारी गोलियां ना दीवार के छीतर भीतर हो गए। तो खैर कोई बात नहीं भाई का मैंने स्वागत करा अच्छे से, और भाई को पहनने के बाद ना मैं यार देखो ये भी नहीं बोल सकता कि अच्छे से लूट करी, क्योंकि देखो यार जोन आ गया था, मुझे पता है देखो अगर मैं यहाँ पे जोन पे मर गया तो खामखा वीडियो खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ, और निकलने के बाद यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ ना यहाँ पे क्या होता है मुझे गाड़ी दिखती है, मैं समझा देखो यहाँ पे लॉन्डे पक्का है, और सामने होते ही जो स्क्वाड दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आराम से कैम्प करके बैठे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ से एक M4 का मस्त सा स्प्रे देंगे देखना अभी, और उसके बाद अंदर रश मार देंगे। देखो अभी कैसे पेलते हैं इनको। तो यार ये जो धोखा था ना मैं सही बता रहा हूँ आप सबके साथ हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो यार आपको ही तो पता चला ना मैं यहाँ पे क्या एहसास हुआ, मैंने उस बंदे को भाई इतनी गोलियाँ मारी ना M4 की, इतनी गोलियाँ भाई मैं सही बता रहा हूँ। मुझे बाद में बता रहा है देखो लौंडा खाते पीते घर का कोई एक्स्ट्रा गोली खा के जाएगा, क्योंकि भाई के पास लेवल 3 का हेलमेट है वेस्ट है, तो पेल दिया मैंने। अब यार देखो जैसे मैं इसको पेल देता हूँ ना मैं भाई यहाँ पे अंधी लूट मारता हूँ, जो मुझे चाहिए होता है मैं फटाफट लूट ले के भाई यहाँ से निकल जाता हूँ। और निकलने के बाद देखो यहाँ पे आ जाता शूटिंग रेंज के साइड में, क्योंकि यहाँ पे जोन होता है, और यहाँ पे जैसे मैं आराम से देख रहा होता ना भाई उसमें मेरे शॉट वॉट्स भाई आसपास पड़ रहे होते हैं, क्योंकि भाई मुझे पता है पूरा खुला है, तो यार देखो जाहिर सी बात है बंदे आसपास लेटे हुए होंगे या फिर मस्त स्प्रे देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ भाई इधर की साइड आराम से बैठा होता हूँ, और उसमें भाई मुझे लेफ्ट से आवाज़ आती है, तो यार देखो अभी लेफ्ट वाले बंदे को क्या ही पेलेंगे। यार सही बता रहा हूँ मैं, मुझे इस बंदे के लिए दिल से बुरा लग रहा है। खैर हंस के बता रहा हूँ कोई बात नहीं, पर सही में यार देखो बेचारा अपने बंदे को बचाने आया था कि भाई कौन सा लौंडा भाई इसने हाथ लगा दिया मेरे लौंडे को, और आते आते पीछे से किसी ने खुराक दे दिया और भाई आते घुटने पर टेक गए। तो जैसे मैं यहाँ पे आता ना मेरे एक तो यार देखो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता, अलग से मेरे पे जोन भी नहीं होता है, सही बता रहा हूँ पबजी बहुत धोखे देता है। अब देखो यहाँ पे लाल गाड़ी देती है, मेरे को लगा इसमें पेट्रोल लगा, वो खैर आगे देख लेना अभी क्या सीन होता है। उतने भाई मेरे पे लौंडा रश मार देता है। तो यार ये लौंडे ना मुझे हल्के में जा रहे हैं, नहीं पता भाई देखो स्काउट का लेआउट ले रखा है, फुल जा रहा हूँ खेल रहा हूँ मतलब 1v1 में हार जाओ ना मजाक चल रहा है भाई, देखो स्काउट का लेआउट है भाई मेरे पास। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, जैसे मैंने एक लौंडे को नॉक कर रहा होता ना और साइड में हुआ था मेरे स्मोक, तो मैं करता देखो मेरे पे एक नेट तो भर भर के होते मैं अंदर तो फेंकते जाऊँगा फेंक जाऊँगा। और अगर आपको ये वाला सीन अच्छा लगेगा ना तो आपको नीचे अब भी जाना और सब्सक्राइब करना और आगे जाके ऐसी वीडियो के लिए। तो यार देखो अब यहाँ पे कितना खतरनाक सीन होगा भाई, लेफ्ट साइड में चला गया स्मोक में चला गया। Thank you.
तो यार बस बस बस, मुझे पता है मेरे बहुत ज़्यादा फैन हो चुके हो। नहीं, इंस्टाग्राम फॉलो। अरे चलो यार, आप इतनी जिद्दी कर रहे तो कर ही लो यार। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है ना, देखो मैं पूरी टीम को रेड से फाड़ देता हूँ, और यहाँ पे अब तुम्हें एक खतरनाक धोखा दिखने वाला है। पहले आप देखो। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, पबजी पे इतने बड़े धोखे थे ना, वो लड़की वाले धोखे से भी बड़े धोखे होते हैं। नहीं यार सोचो, मैं उस गाड़ी को सोचा था फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी बनाऊंगा, फुल ड्रिफ्ट करके जाऊंगा, बंदूक कुचलता हुआ ले जाऊंगा, पर नहीं, सब इम्पॉसिबल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं जैसी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, मैं सोचा देखो यार PMC वाला सीन करेंगे, फुल इधर से कवर बनाएंगे उधर से कवर आएंगे, और उतने में भाई देखो क्या सीन होता है मेरे साथ। तो यार मैं सही बता रहा, इतना खतरनाक बंदा ना मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। यार खुद ही देखो ना, तो भाई इसने खुद ही चिकन ले लिया, नहीं भैया मुझे लेने दे, मजे कौन ले गया, विनोद। यार खुद ही देखो भाई, जोन के अंदर कैम्प करेगा लौंडा, और तो भाई मुझे मारने के बाद खुद भी टपक जाएगा। मतलब वाह भाई, एक्सट्रीम लेवल भाई, पबजी कैम्प भाई वाह। तो यार देखो मैंने सोचा उसके बाद, जब भाई स्काउट जो है भैया PMWL में सेकेंड नंबर पर आया, तो मैं क्यों आखिर फर्स्ट नंबर पे आऊँ। तो दिल की तसल्ली के लिए देखो यार बोल दिया। अगर तुम्हें यार ये वाली वीडियो अच्छी लगे और भाई खेल भी अच्छे लगे, तो यार देखो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब बनता है। अगर और भी तुम ऐसे यूट्यूबर्स की लेआउट की वीडियो चाहिए, और इसकी मैं और भी लेआउट की वीडियो लाने वाला स्काउट की, तो यार बस नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, बिल्कुल भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट।